विसर्जन विसर्जन के शुभ अवसर पर, विसर्जन के शुभ अवसर पर। गाइज हम लोग जो है थोड़ा गलत रास्ता में आ गए हैं। सुरेश भैया जो है हम लोग का गलत रास्ता, यहाँ पे जो है रास्ता समाप्त होता है हम लोग का। देखिए यहाँ पे चारों तरफ हरा भरा है एकदम, और ये तालाब जो है काफी बड़ा, अभी धोने लग गया है। छोड़ दो तुम, दिखा दो, चलो चलो चलो। और खाली कुछ बोलना तो यही कर रहा है। हेलो गाइज, आज हम लोग थोड़ा घूमने आए हैं दोस्त लोगों के साथ, तो चलिए मैं सब दोस्त से एक बार मिला देता हूँ। ये देखिए हम लोग का श्रीकांत भैया है, श्रीकांत सरदार, हाय कर रहा है, देखिए कितना सुंदर है। और इसको देखिए थोड़ा, ये जो है सुरेश सरदार है, सुरेश भैया, इसको सुरेश भैया बोलते हैं हम लोग, एकदम कैसे हाय कर रहे नहीं देख रहे, बाप रे। और चलिए अभी थोड़ा बागुन भैया से मिलते हैं, देखिए हाय है, वाह। आज मूड में है हम लोग थोड़ा इधर घूमने आए हैं, तो चलिए इधर का भी थोड़ा नजारा दिखा देते हैं। हम लोग सब जा रहे हैं अभी हम लोग इधर तालाब तरफ, और इधर का जो नजारा है मैं इधर दिखा दूंगा, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आज बगुन भैया क्या आज मूड कौन सा है बताओ तो, थोड़ा क्या करने का मूड है आज? तो फिलहाल विसर्जन करने वाले हैं, तो अभी फ्री टाइम, अगर बॉक्स उस लोड हो रहा है उधर, तो फिलहाल अभी इधर घूमने के लिए निकल चुके हैं। अच्छा, हम लोग का प्रोसेशन जो स्टार्ट होगा कम से कम करीबन 8 बज जाएगा, तो इसी के चलते अभी हम लोग इससे फ्री टाइम है, तो अभी उधर बॉक्स सब लोड हो रहा है गाड़ी में, तो आसिम साउंड आया हुआ है, विसर्जन विसर्जन के शुभ अवसर पर, विसर्जन के शुभ अवसर पर एकदम। हम लोग इधर घूमने आ गए हैं, तो अभी आपको अजीत भैया जो है अभी दिखा रहा है इधर के। और श्रीकांत क्या खबर, सब ठीक ना? बढ़िया, सब बढ़िया। एना अभी किधर जाएंगे? अभी अभी तालाब की ओर। अच्छा, तालाब वाला जाएंगे, और लास्ट में आके डांस वंस करना है क्या? करेंगे पूरा। अच्छा ठीक है, चलो अभी थोड़ा तालाब तरफ भी जाते हैं हम लोग। अच्छा रास्ता ही क्या? किधर से? इधर से, इधर से, इधर से। अच्छा चलो, इधर से चलो, दिखाओ रास्ता, थोड़ा दिखा दो। देखिए देखिए गाइस, इधर से जो रास्ता है, इधर से बढ़िया रास्ता है, और इधर जो है देखिए देखिए धान भी होने वाला है हम लोग का, अभी देख के काफी खुशी हो रही है मुझे। और देखिए ये सब पूरा बेढ़ा हुआ है, देखिए एकदम लकड़ी से जो है पूरा बेढ़ा हुआ है, क्योंकि नहीं तो बैल उल सब जो आता है ना उधर से खा देता है धान उन सब। और देखिए इधर भी है जो धान जो पीला पीला हो गया है, मतलब अभी पकने वाला है, और कुछ दिन बाद इसको काटा जाएगा। और इधर थोड़ा और ज्यादा हुआ है, देखिए रास्ता कैसे शुरू शुरू है, एकदम पतला पतला है देखिए रास्ता है। इधर देखिए शाम का समय हो गया है, तो थोड़ा कैमरा उतना अच्छा नहीं है, तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, तो फिर भी मैं आपको एकदम बेहतर तरीके से दिखाने का कोशिश करूँगा। देखिए चारों तरफ जो है हरियाली ही हरियाली है, देखिए देखिए चारों तरफ देखिए धान ही धान है एकदम, और हम लोग का बड़का तालाब है। गाइज हम लोग जो है थोड़ा गलत रास्ता में आ गए हैं, सुरेश भैया जो है हम लोग को गलत रास्ता दिखा है। रास्ता ही नहीं है तो। इधर एकदम रास्ता नहीं है, आप इधर से खत्म कर दिया रास्ता, ये थोड़ा गलत जगह हम लोग को लेके आया है, एलोंग का गाँव आए है, लेकिन इसको तालाब जाने का रास्ता भी नहीं पता है। अच्छा चलिए, तो हम लोग फिर से घूम के चलते हैं हम लोग दूसरा तरफ से, और श्रीकांत एकदम खाली सेल्फी लिए जा रहा है, वाह वाह क्या बात है, एकदम पूरा सेल्फी ले रहा है श्रीकांत। चलिए दूसरा रास्ता में हम लोग को लेके आया, फंसा दिया। देखिए यही वाला जो रास्ता है, इधर से ही जाने का रास्ता है, ये हम लोग को गलत जगह में ले गया, तो देखिए इधर से अभी हम लोग वापस आ रहे हैं, हम लोग को फिर से इधर से जाना पड़ेगा। देखिए इधर भी पूरा हरा भरा है, नजारा काफी अच्छा लग रहा है, देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, क्या बात है, एकदम वाह मोटू, एकदम वाह। सेल्फी उल्फी सब लेंगे अभी, चलो ना पहले इधर घूम लेते हैं, उसके बाद सेल्फी लेंगे, बागुन भैया सेल्फी के मूड में है। अच्छा चलिए चलिए इधर चलते हैं हम लोग तालाब की ओर, बात ऐसा है कि काफी दिनों से हम लोग घूमने नहीं आए हैं, और ब्लॉग व्लॉग भी बना नहीं था, और यहाँ पे जो है रास्ता समाप्त होता है हम लोग का, देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब समस्या हो रहा है, देखिए यहाँ से जो है यहाँ तो ठीक है यहाँ तक, और यहाँ से जो है यहाँ से रास्ता समाप्त हो गया, देखिए अभी हम लोग तालाब पहुँच गए सीधा डायरेक्टली।
और एलोंग जो है थोड़ा अलग ही मूड में है, एलोंग वीडियो वीडियो के मूड में नहीं है एलोंग। चलिए हम लोग आगे चलते हैं पूरा एकदम। देखिए यहाँ पर मूर्ति जो विसर्जन होता है ये सब, देखिए विश्वकर्मा मूर्ति जो विसर्जन हुआ था ये सब है तालाब में, तालाब में भसाया गया था। और सुरेश लोगों का गांव में असीम साउंड सिस्टम सीकेपी से आया हुआ है, और आज जो है प्रोसेशन भी होगा, थोड़ा डांस उन्स होगा, आज मनसा पूजा का विसर्जन है, तो चलिए थोड़ा उधर भी मजा लेंगे। और अभी पहले इधर तालाब का मजा ले लेते हैं, उसके बाद उधर का मजा लेंगे, और क्या बोलेंगे। ठीक है चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अरे भाई जल्दी आओ, कितना सेल्फी लोगे तुम लोग, इधर आओ, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, उतना सेल्फी उल्फी मतलब अभी रात उत हो गया है, भूत उत भी निकल सकता है, इधर आओ। देखिए गाइज पूरा चारों तरफ हरा भरा है एकदम, और ये तालाब जो है काफी बड़का तालाब है, देखिए उधर अंदर तक है, और देखिए ये जो ये के बीच में एक घर बनाया गया है पूरा, देखिए चारों तरफ हरा भरा है, और मतलब क्या बोलते हैं खेत के बीच में एक घर बनाया गया है, देखिए वहाँ पर। चलो आगे हम लोग चलते हैं, और तुम तो फोन देखने में बिजी हो। जी जी जी, सुरेश भी पहुंच गया है, श्रीकांत भी आ रहा है। अच्छा चलिए, हाँ तो पैर हाथ पैर धो गए नहीं, ठीक है थोड़ा धो लो जा, ठीक है पैर उर धो लो थोड़ा, इधर तालाब तरफ आए हैं मतलब पैर उर धोना अनिवार्य है। चलो अब हम लोग पहुंच गए हैं पूरा, और देखिए पूरा हाथ पैर धोने लग गया, और श्रीकांत भी एकदम धो रहा है, देखिए ये लोग पूरा मजा ले रहा है शाम का। और ये देखिए इधर देखिए फोन फोन लेके बैठा है और हाई कर रहा है, खाली देखो सुरेश भाई डूब जाओगे नहीं तो। अच्छा से ये तालाब जो है काफी बड़का तालाब है, इधर देखिए कितना दूर तक दिख रहा है, देखिए तालाब। और बॉक्स उक्स का तो आवाज मतलब क्या बोलेंगे, आज विसर्जन का समय है ना, आज थोड़ा मजा अलग ही है आज का विसर्जन का, भी अलग वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। हो गया सुरेश, निकलेंगे अभी, दिखा दिखा तेरा चेहरा तो दिखा लो एक बार। वाह हाँ ठीक है ठीक है, चलो ठीक है अभी हम भी थोड़ा पैर उर धो लेते हैं। चलो हाँ तो ठीक है, लो लो फोन लो फोन लो। भूत भूत तो नहीं है ना सुरेश? नहीं इधर भूत तो नहीं रहता है, भूत है अभी नहीं आएगा ना, अभी नहीं आएगा, रात को आएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अजीत भैया भी अभी धोने लग गया है। हाँ। अजीत भैया जी पानी ठंडा है कि गर्म है, थोड़ा देखिए। मीडियम मीडियम है, मीडियम है, बहुत बढ़िया है। आप फ्रेश होने का कारण बता दीजिए थोड़ा। हाँ फ्रेश होने का कारण बता दीजिए, पानी। ये गांव का जो मतलब क्या बोलेंगे, इतना बड़ा जगह में हमेशा पानी साफ ही रहता है, ऐसे नॉर्मल जगह में अगर किसी एक जगह में पानी रहता है तो वो अपने आप कचरा होने लग जाता है, लेकिन ये जो जगह बड़ा होने के कारण पानी थोड़ा साफ रहता है, और तालाब में हमेशा नहाया जाता है, और बाकी सब काम भी तालाब में किया जाता है ना, तो तालाब थोड़ा साफ रहता है। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा उधर घर चलेंगे क्या। हाँ हाँ हो गया, शाम भी हो गया, तालाब हाथ पैर भी धो लिए। अच्छा ठीक है, जब चलिए भागवन भैया जी चलिए, भागवन तुम नहीं धोगे हाथ पैर? हाँ इसको भी धोना चाहिए, इतना ही धो रहा है। तो गाइज हम लोग अभी घर जा रहे हैं, इधर हाथ पैर भी धो लिए हैं, और देखिए वाह भाई फोटो एडिटिंग, गाइज मेरा फोटो एडिटिंग हो गया है काफी। देखिए रुको दिखा दो अच्छा से थोड़ा, कैसे लाइट तो लग रहा है। अच्छा छोड़ दो तुम, हम मत दिखा दो, चलो 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 गाइज एक बार बाय कर दो सबको इधर, बाय। ठीक है गाइज आज का वीडियो इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं। आज हम लोग का गांव में जो विसर्जन होगा वाला भी मैं आपको दिखा दूंगा और रिकॉर्ड करके, और ये तो फोन में बिजी है और खाली कुछ बोलने से ही कर रहा है। ठीक है गाइज धन्यवाद, बाय।